Hello everyone, welcome back to my channel. You are watching makeup artist Rupak Shiny. आज की इस वीडियो में मैं क्रिएट करने वाली हूँ एक गॉर्जियस आई मेकअप, तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं यूज कर रही हूँ यू कैन मेकअप प्रीति ऑलसेट आई शेडो पैलेट और उससे सबसे पहले ले रही हूँ एक डीप पिंक टोन। एक ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। यू कैन मेक का जो आई शेडो पैलेट है वो बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड एक आई शेडो पैलेट है और प्राइस में भी वो बहुत ही ज़्यादा सस्ता है, तो आप लोग इस आई शेडो पैलेट को ट्राई कर सकते हो। मैंने जिससे लिया था ये आई शेडो पैलेट उनकी फेसबुक लिंक में डिस्क्रिप्शन पर डाल दूँगी। मैं ले रही हूँ एक पर्पल टोन और इस पर्पल कलर को सबसे पहले मैं आउटर कॉर्नर पे अप्लाई करूंगी। आउटर कॉर्नर पे अप्लाई करने के बाद धीरे धीरे करके मैं उस कलर को इनर कॉर्नर तक लेकर आऊंगी। इस कलर को क्रीज लाइन तक ही रहना है, उससे ऊपर नहीं ले जाना है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक ब्लेंडिंग ब्रश। उस ब्लेंडिंग ब्रश में मैं कोई भी कलर नहीं लिया है और उससे अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी पर्पल टोन एंड पिंक टोन को। अब उस सेम पैलेट से ले रही हूँ एक डीप ब्लू टोन और उसको अच्छे से अप्लाई कर दूंगी आउटर कॉर्नर पे। उस डीप ब्लू टोन के ऊपर मैं यूज कर रही हूँ पर्पल टोन। ऐसे करने से पर्पल टोन का कलर थोड़ा सा ब्लूइश हो जाएगा। अब इस दो टोन को अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। उसके बाद क्रीज लाइन को भी कट कर लूंगी। कलर की एंड अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी स्पॉन्ज की मदद से और उसके बाद पर्पल टोन से अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। इसे मैं थोड़ी सी पर्पल टोन और ऐड कर रही हूँ आउटर कॉर्नर पर। उसके बाद ले रही हूँ ग्रीन टोन। अब यूज करूंगी रिलायंसी ग्लिटर पैलेट। ये बहुत ही अच्छा एंड सस्ता एक ग्लिटर पैलेट है। इस ग्लिटर को लेकर जहाँ पर ग्रीन टोन खत्म हुआ था उसी जगह पर अच्छे से अप्लाई कर दूंगी। आउटर कॉर्नर को थोड़ा सा डीप करने के लिए थोड़ी सी डीप ब्लू कलर यूज कर रही हूँ। लाइनर के लिए मैंने लिया है इंगलॉट की जेल लाइनर। उससे सबसे पहले आउटर कॉर्नर पे लाइन ड्रॉ करूंगी, फिर धीरे धीरे इनर कॉर्नर तक भी ड्रॉ कर लूंगी लाइनर। लाइनर को कभी भी इनर कॉर्नर से स्टार्ट नहीं करना है, इससे आपका लाइनर का शेप खराब हो सकता है। यूज कर लूंगी एक ब्लैक काजल। काजल के साथ ही ब्लेंड कर लूंगी पर्पल टोन को लोअर लैश लाइन पर। सेम पैलेट से ही हाइलाइटर लेकर हाइलाइट कर लूंगी इनर कॉर्नर एंड ब्रो बोन। आई को हाइलाइट करना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब यूज़ कर लूंगी मेबलिन का मस्कारा। मेबलिन का ये मस्कारा बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तो आप सब लोग ट्राई कर सकते हो इस मस्कारा को।
पैच को अच्छे से फिक्स कर लूँगी। तो कैसी लगी आज की ये आई मेकअप, प्लीज़ कमेंट करके बताना। और इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर करना भी मत भूलना। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई YouTube चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन।